हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं जो सॉल्यूशन के जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं उनके अंदर हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 20% बाय मास ऑफ लिक्विड ए हैज वेपर प्रेशर 160 mm एट 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इफ दैट ऑफ वाटर इज 150 mm एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हमने क्या क्या है कि हमने ए लिया, ए को हमने बी के साथ मिक्स किया, बी जो हमारा वो क्या है, वाटर है। ठीक है, जब ए को बी के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जब ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बन रहा है ए बी। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है आपके पास में, 160 mmHg। कितना आ रहा है, 160 mmHg। इसका जो आपको टेम्परेचर दे रखा है वो आपको दे रखा है 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। यहाँ पे हमें जो आपका ए है इसका पी नॉट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, यानी जो आपका प्योर ए उसका वेपर प्रेशर निकालना है, और इसने दे रखा है कि जो आपका जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है यानी पी नॉट ऑफ बी है वो हमारे पास कितना है, 150 mmHg। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पी नॉट ऑफ ए। अब देखो अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ, रूट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पी ए प्लस पी बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम पी ए चेक करें तो पी ए हमारा कितना होता है, पी नॉट ऑफ ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, पी नॉट ऑफ बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वैल्यू होगी पी ए और पी बी की। तो यहाँ से अगर हम पी एस निकालें तो पी एस कितना आएगा, इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू, ये इक्वेशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम पी नॉट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि पी एस की वैल्यू हमें गिवन है और पी नॉट बी की वैल्यू भी गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर जो इसने दे रखा है 20% बाई मास ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20% बाई मास, 20% बाई मास ऑफ ए। ठीक है, यानी एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए और वाटर को मिक्स किया गया है। एक एक्वस, ए का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी ए प्लस वाटर मिक्स किया गया है, वाटर को हम लेके चल रहे हैं बी। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, यहाँ पे देखो जब इसको आप डिकोड करते हो 20% बाई मास ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ ए इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो 20 ग्राम ए है वो डिजोल्व होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 20 ग्राम, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, और अगर इसका मोलर वेट की बात करें तो इसका जो मोलर वेट दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है, वो हमें दे रखा है 140 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये है मोलिकुलर मास ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहां से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 80 ग्राम। कितना आ गया, 80 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में अगर मोलिकुलर मास ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालें तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोलिकुलर मास आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया और उसका मोलिकुलर मास आ गया। तो हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या लिखेंगे इसको, एक्स ऑफ ए
इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए इसकी, नंबर ऑफ मोल्स की। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम देखें गिवन वेट हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास होता है 1440 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया तो यूनिट आपकी आएगी कितनी, मोल। और ये हो जाएगा 1 7 1/7, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.143, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, गिवन वेट हमें कितना है 80 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलिकुलर वेट 18। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4.44, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स ऊपर आएगा क्या बनेगा, मोल। तो 4.44 मोल, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.143 डिवाइड बाई 0.143 प्लस 4.44, ठीक है। और तो यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 0.031। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये भी मोल्स आएंगे, नीचे भी मोल्स आएंगे, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वैल्यू है, ये भी मोल आएगा और नीचे की जो वैल्यू है वो भी किसमें आएगी, मोल के अंदर। तो मोल से मोल कैंसिल, यहाँ पे इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.969, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे हम टोटल प्रेशर के अंदर। तो यहाँ से पी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160 इज इक्वल टू, ये हमें पी नॉट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 0.031 प्लस पी नॉट ऑफ बी हमारे पास में है 150 और मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास 0.969, ठीक है। तो यहाँ से अगर पी नॉट ऑफ ए निकालोगे तो वैल्यू इधर चली जाएगी, तो 160 माइनस 150 इंटू 0.969 डिवाइड बाई ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो 0.031 इज इक्वल टू किसके आएगा, पी नॉट ऑफ ए के। तो यहाँ से आपकी जो पी नॉट ऑफ ए है यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वो आपका कितना आएगा, 458.57 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, MMHg के अंदर, MMHg, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उसका हम क्या निकाल सकते थे, पी नॉट ऑफ ए निकाल सकते हैं, या फिर पी नॉट ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सभी को, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी एट 400 केल्विन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज 600 mmHg, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास में एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए और बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो दे रखा है 400 mmHg एंड 700 mmHg, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो आपका सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 600 mmHg है, ठीक है। आपको उस सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करना है, कंपोजिशन को। कंपोजिशन का मतलब उस वो जो मिक्सचर बना है यानी वो जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर ए और बी कितना कितना है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं उनका मोल फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, तो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको कंपोजिशन के लिए बोलता है तो आपको फाइंड आउट करना है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ। रूट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो आपका पी एस होता है वो किसके इक्वल होता है, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पी हमने ए प्लस बी को मिक्स किया है और यहाँ से सॉल्यूशन बन रहा है ए बी, तो हमें यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है और पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू भी दे रखी है और यहाँ से पी एस की वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है कि इनका कंपोजिशन क्या होगी, यानी इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है एज वी नो दैट अगर हम लिखे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखिए इसके इक्वल होता है हमेशा वन के इक्वल, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस वैल्यू को यहाँ से उठा के पुट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो पी एस है वो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे क्या रखना है, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि अगर आप पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये बनेगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी नॉट ऑफ ए माइनस, यहाँ से जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आपने माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें पी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 600 mmHg, तो ये वैल्यू हमने रखी 600 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 450 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू ये वैल्यू हमारे पास है 700 माइनस 450। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 600 माइनस 450 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 और इधर बच गया 6, 6 में 2, तो 250 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.5 एंड 1 और डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वैल्यू कितनी आएगी, 150 डिवाइड बाई 250, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास में 5 3 15, 5 5 25, 3/5, तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 mmHg, सॉरी मोल फ्रैक्शन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आया वो कितना है, 0.6 आ गया। अब हमें पता है इस इक्वेशन से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपके पास 0.4। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन आएगी वो कितनी आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा 0.6 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा 0.4। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन यानी उसकी कंपोजिशन को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहां से हम क्या करेंगे, रूट्स लॉ को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को?